हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परचेस ऑर्डर का टेबल के बेस पे हम डाटा कैसे देखते हैं। परचेस ऑर्डर का मेनली दो टेबल रहता है, एक हेडिंग के ओ और दूसरा है आइटम डाटा। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल देखते हैं ई के ओ। इसके लिए टेबल देखने का एक टी कोड है AC16N। इस टी कोड को रन करते ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन शो करेगा। यहाँ पे आप सिंपली लेना टेबल का नेम इंटर कर देना है। मैं हेडर लेवल का डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैं हेडर लेवल का टेबल ऐड कर रहा हूँ EKPO EKKO। इस टेबल को रन करते ही इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करते ही आप देख सकते हैं कि जो जितना PO क्रिएट हो चुका है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि हेडर लेवल का डाटा रहता है परचेज डॉक्यूमेंट कंपनी कोड टाइप क्रिएट लिस्ट, ये सारे जो कि डाटा आते हैं EKKO में टेबल नेम में। अब इसके बाद हम आइटम लेवल के डाटा देखेंगे। आइटम लेवल का डाटा देखने के लिए टेबल यूज करते हैं EKPO। तो सिंपली यहाँ से बैक कर देना है। यहाँ पे जो आप आइटम लेवल का डाटा देखना चाहते हैं उस टेबल को इंटर कर देना है EKPO। इस टेबल को सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख पाएंगे जो आइटम लेवल का जितना डाटा रहता है परचेस ऑर्डर में, टेबल EKPO यूज करते ही आप उस सारे डाटा को देख सकते हैं। यहाँ पे जितना आइटम लेवल का डाटा है वो शो कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।